राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे, जहां उन्होंने वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी के बेटे वीरेंद्र चौधरी की स्मृति में नवनिर्मित वीरेंद्र धाम छात्रावास का लोकार्पण किया। स्वर्गीय वीरेंद्र चौधरी की मूर्ति का अनावरण किया। उसके बाद सचिन पायलट ने आदर्श स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इसमें पेपर लीक भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बिना नाम लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा और दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के धरने को लेकर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने गुट के मंत्रियों और विधायकों के साथ प्रदेश के सरहदी जिले बाड़मेर पहुंचे, जहां वीरेंद्र धाम का लोकार्पण कर आदर्श स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। माना जाए तो ये पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन था। मैंने कहा, मेरा दिल दुखता है जब नौजवानों के साथ उत्पीड़न होता है। जो पहलवान धरने पर बैठे थे दिनों तक, वो उस पर कार्रवाई सरकार कतरा रही करने में। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन कर्नाटक में अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहाँ पर भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वहाँ भाजपा की सरकार है और 40% हम लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाजपा की सरकार के समय राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करने का समय आ गया है। कर्नाटक में जो भाजपा सरकार है, भाजपा की, उस पे 40% करप्शन कमीशन का आरोप हम लोग लगा रहे हैं और लोग उस बात को यकीन उसका कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ राजस्थान में भी जो भाजपा के शासन में करप्शन हुआ था उसको उजागर करने का समय आ गया है। आदर्श स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने के बाद सचिन पायलट अपने गुट के मंत्री हेमा राम चौधरी, मंत्री मुरारी लाल मीणा, ब्रिजेंद्र ओला, राजेंद्र सिंह गुड़ा, खिलाड़ी लाल बैरवा, महेश शर्मा, जी आर खटाना, बायतू विधायक हरीश चौधरी, श्री क्षत्रिय युवक संघ के आलोक आश्रम पहुंचे, जहां पर क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह सोल साहब सर के साथ मुलाकात कर राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। बाड़मेर के अंदर हेमाराम जी ने अपने स्वर्गीय पुत्र के नाम पर जो छात्रावास बनाया है वो अपने आप में मिसाल है, का उद्घाटन आज हम लोगों ने किया। सचिन पायलट का सरहदी जिले का दौरा राजनीतिक लिहाज से भले ही महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन शक्ति प्रदर्शन में उसे कम भी आका नहीं जा सकता। भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर।